बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी आज का दिन कैसा रहेगा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इस नए साल में अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ दे, आसानियाँ दे और आप हमेशा फले फूलें। और AQ TV को और उसकी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला 1 मार्च को मैं मौजूद हूँगा सियालकोट में। सियालकोट और उसके गिर्द व नवा में रहने वाले लोग अगर मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है, 1 फरवरी के पहले ही वीक से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। जो लोग इल्म नजूम सीखना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब दुनिया के किसी भी खत्ते में मौजूद हैं, ऑनलाइन क्लासेस का भी एहतमाम है, आप इसमें ज़रूर हिस्सा लें और इल्म नजूम की जो आ गई है इसको सीखना जो है इसमें भी अगर दिलचस्पी रखते हैं तो ज़रूर सीखिए। आप अगर लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एवरी मंडे टू फ्राइडे मैं वहाँ पे रात 9 से 10 पाकिस्तान के मेरी वक्त के मुताबिक लाइव आता हूँ। आप वहाँ पे कोई भी सवाल करके अपने बारे में इल्म नजूम की रोशनी में जान सकते हैं। और स्क्रीन पे इस वक्त आप देख रहे हैं जंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020 और जनवरी 2020 आयना किस्मत का शुमारा। आप अगर इसकी फ्री PDF चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर जो दिया गया है इस पे व्हाट्सएप करके इसकी फ्री कॉपी मंगवा सकते हैं या www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। 31 जनवरी 2020 बुर्ज हमल एरिस, सफ़र पेश आने का इम्कान है। सफ़र के दौरान अजनबी अफराद से मोहतात रहें और सामान का ख्याल रखें। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को जल्द मुलाजमत मिल सकेगी, घरेलू अफराद का तावुन हासिल हो सकेगा। बुर्ज सौर टॉरस, कारोबारी अमूर की वजह से मसरूफियत रहेगी। तालिब इल्मों को चाहिए कि वो सियासत से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। रोमांस का मौका मिल सकता है, दरीना दोस्त से मुलाकात मतवक्को है। बुर्ज जौजा जमनाए, हसब हैसियत सवारी ले सकेंगे और खानगी और ख़ानदानी मसाइल जल्द बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। बैरून मल सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद की नसीब यावरी हो सकेगी, काम और सैर सियाहत में तमीज़ कर सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर, करियर में बेहतरी आएगी। दौरान सफ़र सामान और माल की हिफाजत करें वरना नुकसान का अंदेशा है। घर की सजावट की तरफ तवज्जो रहेगी, कानूनी मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। बुर्ज असद लियो, दूसरों के हक के लिए लड़ सकेंगे और उनके मसाइल का खात्मा करने में मदद करेंगे। इश्क मोहब्बत के मामलात मुतासर होंगे, विरासत और इंश्योरेंस में मसाइल पैदा हो सकते हैं। बुर्ज सुमला वर्गो, अजनबी अफराद से मोहतात रहें, काम बेहतर तौर पर चल सकेगा। सेहत मुतासर हो सकती है लिहाजा मोहतात रहिए और अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। मामलात के हल के लिए तहम्मुल मिजाजी से काम लें, जल्दबाजी से गुरेज करें। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, हल्का अहबाब में वसत हो सकेगी, जज्बात और गुस्से पर आसानी कंट्रोल कर सकेंगे। सब्र और तहम्मुल आपके मिजाज में आएगा, मामलात बेहतर तौर पर तय हो सकेंगे। कारोबारी अमूर बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो, मुलाजिम पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं जिसके बायस वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेगा। इश्क मोहब्बत में, आर्ट के शोबे में आपकी दिलचस्पी भी रहेगी और आपका अपना मिजाज मोहब्बत के मामले में हसास रहेगा। बुर्ज कौस सजिटेरियस, माली पोजीशन की बेहतरी के साथ घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। औलाद राहत का बायस होगी और आज किसी से तोहफा तहाइफ भी आपको मिल सकता है। मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात ऐसन तौर पर चल सकेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, सेहत बेहतर रहेगी, हमसायों का तआवुन हासिल होगा। नसीब यावरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और सफ़र पेश आ सकता है, कारोबारी सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, हादसाती सूरत हाल पेश आ सकती है, लिहाजा मोहतात रहिए और ज़हनी तौर पर पहले से तैयार रहें। अज़ीज़ो अक़ारब तआवुन करेंगे जिससे खानगी मसाइल में ख़ातर ख्वाह कमी आ सकेगी, ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। बुर्ज हूद पाइसिस, रिस्क बेहतर साबित हो सकेंगे,
خود اعتمادی مقاصد میں کامیابی کا سبب بنے گی، جس سے ذہن منتشر رہے گا، معاملات کو بہتر ڈیل کر سکیں گے، سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، بہتر اور مستحکم فیصلے آج کے دن آپ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔